सलाम नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान में शाहीन बाग के बारे में बहुत कुछ अच्छा बोला गया, बहुत कुछ बुरा बोला गया। चलिए इन सब चीज़ों से आगे निकल करके कुछ देखते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने शाहीन बाग के लोगों से मिलना तय किया है, और इसी के साथ आप यहाँ की जो आवाम ने जो बात बोली वो तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से माफी मांगती हूँ और कहती हूँ अपने बड़े भाई को कि प्लीज आ जाइए, एक बार आकर समझाइए सबको। पीएम मोदी को आना चाहिए, वो हमारे भाई जैसे हैं। मोदी जी हमारा बेटा है, हमने जन्म ना दिया, हमारी बहन ने दिया। मोदी जी इसे सीए को अनारसी को वापिस ले लो, हम उठ जाए। प्रयोग अब संवाद का सही हो, बिल्कुल खत्म हो प्रयोग, अब संवाद के साथ ही हो सहयोग। दुनिया में कोई भी ऐसी बातें नहीं हैं जिसको बातचीत के ज़रिए, कोई ऐसे मसाइल नहीं हैं जिनको बातचीत के ज़रिए हल नहीं किया जा सकता। तो शाहीन बाग में भी जो लोग बैठे हुए हैं या जिन लोगों ने भी गुहार लगाई है, उन्होंने गुहार अपने होम मिनिस्टर और अपने प्राइम मिनिस्टर को लगाई है, और ये देखना होगा कि कल अमित शाह जी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी देश की जनता को जो मुख्तलिफ़ किस्म के बिलों से परेशान हैं, इन बिल्स के बारे में क्या जवाब देंगे। अच्छे की ही उम्मीद करें हम, और इस बात की अपेक्षा करें कि परमात्मा रब्बुल आलमीन गॉड वाहेगुरु ओम आपके और हम सब के लिए हमारे देश भारत में, हिंदुस्तान में एक ऐसा बेहतरीन माहौल पैदा करने का एक दूसरे के लिए ज़रिया बनाए, जिसे सब कहते हैं फिर कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। मैं एडवोकेट अब्दुल्ला अहमद आप सभी से एक बात का निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ जो डॉक्यूमेंट्स की कमी आपकी और हमारी लापरवाही की वजह से हो चुकी है, उन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग बनाने में कोशिश करें, और बनाते हुए उन डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए हम अपने साथ उन चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करें जिसकी रिक्वायरमेंट ज़िंदगी के दूसरे मराहल में, दूसरी ज़रूरत में भी काम आएगी। जय हिंद।